किसका फोन था जिया? रॉन्ग नंबर था। तुम किसे ढूंढ रही हो? हाँ? किसी को नहीं। तुम ठीक तो हो? इज एवरीथिंग ओके? या शेखर, तुम एक काम करो, डिनर की तैयारियां ठीक हुई है कि नहीं देख लो। सब कुछ केटरर्स पे तो नहीं छोड़ सकते ना? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत काम है। दीदी दीदी आइए ना, मैं आपको मेरी एक नई फ्रेंड से मिलवाती हूँ। अरे अभी अभी हमारी फ्रेंडशिप हुई है, प्लीज दीदी आइए ना। नहीं मुझे बहुत काम है। तुमने बाबा को देखा? हाँ वो उस तरफ है, लेकिन दीदी इज एवरीथिंग फाइन? या अब बाबा बाबा एक मिनट। बाबा मुझे लग रहा है कि अब हमें शादी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। अब ये नाच गाना बंद करवा दीजिए ना। शादी तो शुभ मुहूर्त पर होनी चाहिए ना। लेकिन मुहूर्त में भी वक्त है। नहीं बाबा 9 बज गए। अरे हाँ, मुझे तो वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। बाबा आप एक काम कीजिए, आप हर्ष को कहिए कि मंडप में आए, मैं अरुषि को लेकर आती हूँ। अरु राकेश, तुम्हें यहाँ पे आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? राकेश राकेश तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। अरु अगर आज मैं नहीं आता तो बहुत देर हो जाती, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन राकेश, अरु अब कहने सुनने का कोई वक्त नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए चलो हम लोग भागकर शादी कर लेते। ये तुम क्या कह रहे हो? अरु समझने की कोशिश करो, हम लोग एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह पाएंगे। मैंने मैंने सारा इंतजाम कर लिया, हम लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, और एक बार हमारी शादी होगी तो फिर भी कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए भाभी, अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं और अरु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। शड़ा, तुम अरुषि से कितना प्यार करते हो ये तो मैं तुमसे मिलकर ही समझ गई थी, और अब बेहतर यही होगा कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। और अरु ये यहाँ तुम्हारे कमरे में घुस कर चला आया, बजाय इसे कि इसे जाने के लिए कहती तुम इसे बैठ कर बातें कर रही थी। देखिए भाभी, इसमें अरु की कोई गलती नहीं है, और अब जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। मुझे और कुछ नहीं सुनना, हम आए थे ना तुमसे मिलने, नाउ लीव। ये जियारू को बुलाने गई थी। लीव शेखर। भाभी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी आपकी धमकियों से डर के नहीं जा रहा, बल्कि आपसे ज्यादा अरु की फिक्र मुझे है। इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा कि आपकी वजह से मैं और अरु एक नहीं हो पाए। जरूरी काम था आपसे। पता है अरुषि ना, उसके कमरे में एक लड़का आया था। कौन आया था? लड़का डब्बू, मैं पूछ रही हूँ कौन था वो लड़का। वो तो पता नहीं,
मम्मी जिया भी थी कमरे में, वो ना जोर जोर से उस लड़के पर चिल्ला रही थी और वो अरुषि है ना, वो तो बस रो ही जा रही थी। कहाँ है वो लड़का? वो तो चला गया। तूने उसे जाने क्यों दिया डब्बो? पकड़ के मेरे पास ले आती, मैं उससे एक एक बात उगलवा लेती। मम्मी वो जिया इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी ना कि मैं तो डर ही गई थी। मम्मी वो लड़का भी चिल्ला रहा था जिया पर, कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मैं और अरुषि अलग हो गए। बस इतना ही सुनाई दिया, दरवाजा बंद था ना। इसका मतलब है प्रेम कहानी, और जिया इस प्रेम कहानी के बारे में जानती है। उसने ये बात सबसे छुपाई, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। उस दिन जिया का अरुषि को लेके बाहर जाना, कहीं ऐसा तो नहीं जिया उस दिन झूठ बोल के इन दोनों को मिलवाने गई थी? है? हाँ। मम्मी पता है वो लड़का गुस्से में जब कमरे से बाहर निकला था ना, तो उसने झटके से एक बुके फेंका था, उसमें से ना ये कार्ड निकला, देखो कुछ काम का है। गुत्थी तो अब और उलझती जा रही है, पर मैं भी एक एक करके सारी सच्चाई पता करूंगी। डबो तू ये कार्ड संभाल के रखना, हाँ सही वक्त पे हमारे काम आएगा। तुम क्या कर रही थी अरुश्री? मेरी जगह माँ बाबा या तुम्हारी ननद में से कोई आ जाता तो जानती हो क्या हो जाता? जो हो रहा है उससे बुरा क्या होता? अरु बात को समझने की कोशिश करो, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। वो इस लायक नहीं है कि तुम अपने घर वालों के साथ लड़ो, उनका दिल तोड़ो। अरु राकेश को भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। भाभी मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको भूलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो अरु, मैंने तुम्हारा साथ देने की कोशिश की, तुम्हारे कहने पर हम उसे मिलने भी गए, हमने उसे एक मौका दिया और 10 मिनट में मेरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया। किसी को जानने के लिए 10 मिनट काफी होते अरु जी। देखो अरु, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। I don't care भाभी, मैं हर्ष को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। अरु माँ बाबा के बारे में कुछ तो सोचो, अनन्या दीदी वाले सदमे से अभी तक वो लोग बाहर नहीं आ पाए, और अब अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो। देखो अरु, मैं जानती हूँ तुम राकेश से प्यार करती हो, अपने प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अरु ट्रस्ट मी अरु, बहुत जल्द तुम रियलाइज करोगी कि अगर तुमने राकेश को शादी के लिए चुना होता तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। अरु इस शादी के लिए क्या क्या हुआ है तुम कभी जान भी नहीं सकती। चलो अरु, हर्ष तुम्हारे ससुराल वाले सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायतनोहरि वक्रतुण्डमाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मन्देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्तुते। ॐ शरणागतदिन्नार्दा पवित्रानपरायणे ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुड़ध्वज मंगलं कुंडलीकाक्षं मंगलायतनोहरि वक्रतुण्डमाकाय सूर्य
कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दिन्नार्ता पवित्रान परायणे सर्वस्यार्धरे देवी नारायणी नमस्तुते। थक गया। और तू यहाँ अकेला बैठा बैठा क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ आनंद बाबू कि ये रीति रिवाज बनाया किसने, हमारी बेटी शादी के बाद किसी दूसरे घर चली जाएगी। भाई जिस बेटी को हमने इतने प्यार से पाला बड़ा किया वो बड़ी होकर शादी के बाद किसी दूसरे घर की बहू बन जाएगी, दिस इज नॉट फेयर। हाँ यार फेयर तो नहीं है, लेकिन आरुषि ऐसा कौन सा बहुत दूर जा रही है यार, जब जी चाहेगा आ जाया करेगी। लेकिन तू ये तो सोचो अगर ये रीति रिवाज नहीं होते तो तुम्हें जिया जैसी बहू कहाँ से मिलती, वो भी बैठी रहती अपनी माँ के घर। हाँ इस मामले में तो मैं खुश नसीब हूँ, जिया मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। अरे आओ आओ जिया, बेटा अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। बाबा आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो बेटे। दादू स्माइल। अरे मोटो इधर आ, तेरी फिल्म कंप्लीट हो गई हो तो। अभी तो नहीं हुई, विदाई के बाद कंप्लीट हो जाएगी। बाबा मैं सोच रही थी कि अगर हम सुरभि को कुछ दिनों के लिए अरुषि के साथ भेज दें, अरुषि को वहाँ सब नया नया नहीं लगेगा। ये सब पुराने जमाने के रिवाज है बाबा, आजकल थोड़ी ऐसा होता है कि कोई दहेज की तरह साथ में चला जाए। अरे बेटे जमाना बदलता है लेकिन रिवाज थोड़ी बदलते हैं। मैं तो जिया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है बेटे, हम लोग सुरभि को आरुषि के साथ थोड़े दिनों के लिए जरूर भेजेंगे। ये मैं अभी चल जाती हूँ। चाची आप मेरे कपड़े कल भिजवा देना। जिया बेटी एक तू ही है जिसने इतने प्यार से इसे संभाला है, वरना छोटे के परिवार के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद। बाबा जिस बात से दुख हो उसे हम क्यों दोहराएं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटे, लेकिन ये हमारे बस में थोड़ी ही है कौन सी बात याद रखें और कौन सी भूल जाएं। खैर जा बेटे तुम अरु को देखो, विदाई का टाइम हो रहा है। जा बेटे। विदाई का वक्त हो गया है, मैं जानती हूं तुम्हें इस वक्त बहुत डर लग रहा होगा ना, मैं समझ सकती हूं अरु। मैं तो शेखर को पहले से जानती थी लेकिन फिर भी इस घर में आने से पहले मैं कितना डरी हुई थी, पता नहीं लोग कैसे होंगे, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। देखो इट्स सो स्ट्रेंज, आज मैं तुम्हें यह समझा रही हूं कि डर लगना इज नेचुरल। आई एम श्योर अरु जितना प्यार जितना सपोर्ट मुझे इस घर में मिला तुम्हें उस घर में मिलेगा। देखो अरु हम इस घर में दोस्त की तरह रहे हैं, तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी। अपने पास्ट को साथ लेकर एक नए रिश्ते में मत जाओ, कल कितना ही अच्छा या कितना ही बुरा क्यों ना हो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम उसे अपने आज पर हावी ना होने दें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी
नए घर में नए रिश्तों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। उस घर में खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से हमारी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम बिना किसी को जाने बिना समझे उससे प्यार करने लगते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने तुम्हें तुम्हारा फोन। I'm sorry. It's okay. रिसीव करो। अरु, अरु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा। तुम भी मुझे भूलोगे तो नहीं ना? नहीं। अरु। लगता है कॉन्ग्रेचुलेट करने वालों के फोन अभी तक आ रहे हैं। आई एम वेरी टायर्ड। क्या मैं सो जाऊं? अरे अभी कोई पूछने वाली बात है, तुम चेंज करके सो जाओ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शिंदे। क्या मैं मिस्टर शेखर पांडे से बात कर सकता हूँ? जी इंस्पेक्टर साहब, शेखर बोल रहा हूँ। शेखर साहब, आपके लिए खुशखबरी, मैंने शक के बिना पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और मुझे पक्का यकीन है कि उनमें से कोई एक आपकी बीवी के किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ है। क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी जल्दी गुंडे को पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा। और हाँ, देखिए, किडनैप जिया जी हुई, उनके जान पर हमला हुआ, इसलिए उनकी गवाही बहुत जरूरी है। उनकी गवाही के बिना काम नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या सिर्फ मेरे आने से काम नहीं चलेगा? जिया का आना जरूरी है। उनकी जान पर हमला हुआ, इसलिए जिया जी की गवाही बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब, हम पहचान के लिए पुलिस स्टेशन जरूर आएंगे। जिया भी साथ आएगी। ओके, थैंक्स अ लॉट। वाह शिंदे साहब, मान गए। अब मजा आएगा उस जर्नलिस्ट को जब उसकी बीवी बार बार थाने के चक्कर लगाएगी।